बाकी दोस्तों ये स्लॉथ बियर, जिसे देसी भालू भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है स्लॉथ बियर, जिसे इससे खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिल सकता। ये देखें बहुत ही खूबसूरत भी दोस्तों, ये देखें जी बहुत ही विशाल आकार का है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत, ये देखें जी दोस्तों दुर्लभ व्यू, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ व्यू। ये देखें जी बिल्कुल पास से व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू, ये देखें बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ व्यू है दोस्तों। एक साथ चार चार टाइगर आपको एक ही बाड़े में वो भी चलते फिरते नज़र आ रहे हैं, ये देखें जी बहुत ही दुर्लभ नज़ारा। दोनों टाइगर मूवमेंट करने लगे हैं जो दोनों रेस्ट पोजीशन में थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ व्यू आपके सामने। ये बिल्कुल पास से भी कैप्चर हुआ जी टाइगर का, आप देख सकते हैं। स्वागत है दोस्तों एक और नए टूरिस्ट प्लेस पर, और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लखनऊ का चिड़ियाघर, जिसे लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन, लखनऊ प्राणी उद्यान के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी इसके अंदर चलते हैं, इससे पहले हम यहाँ से हम टिकट लेते हैं, टिकट का चार्ज 80 रुपया है। तो चलिए टिकट लेके हम अंदर ही वीडियो को रिज्यूम करते हैं। तो गाइस हमने एंट्री ले ली है, और एंट्री करते ही हमें पहला सीन दिखा है, ये आप देख सकते हैं, जो कि आप एंट्री जैसे ही करेंगे आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट लखनऊ ज़ू का। और बाकी यहाँ से हमने एंट्री ले लिया है, 80 रुपये टिकट का चार्ज है। और बाकी एक बार आप इसको देखें, बहुत ही खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे आकर के आप सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। बाकी चलिए अब अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और संडे का दिन है तो आज थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, तो आज आपके सामने लखनऊ का एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिसे लखनऊ का चिड़ियाघर कहते हैं, लखनऊ जू, लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन एक्सप्लोर होगा। बाकी आप घूमने के लिए इस गाड़ी की भी मदद ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस मैप की भी मदद ले सकते हैं इस पूरे चिड़ियाघर को घूमने के लिए। बाकी लखनऊ चिड़ियाघर को नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, और वहाँ पे आपको सीधे सबसे पहला जानवर दिखाएंगे दोस्तों। बाकी आप इस बोर्ड की भी हेल्प ले सकते हैं कि किधर कौन से जानवर रखे गए हैं, इस बोर्ड की हेल्प से आप जो है घूम सकते हैं। तो बाकी हम सबसे पहले हम इधर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है जर्नी लखनऊ के चिड़ियाघर, जिसे नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मली इसे लखनऊ ज़ू के नाम से जानते हैं। तो पहला बाड़ा हमारे सामने आ चुका है, और इसमें ब्लैक बक रखे गए हैं, काला हिरन जिसे बोलते हैं। और इसमें काला हिरन सफ़ेद हिरन दोनों हैं दोस्तों। तो ये है जी देखें पहला बाड़ा, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं काले हिरन भी हैं, तीन चार काले हिरन मुझे दिख रहे हैं यहाँ से, ये देखें जी। तो ये हिरनों का बाड़ा है, जिसमें काला हिरन और सफ़ेद हिरन मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अरे कैसे कूद रहा है भाभी, ये देखिए, ये देखिए छोटा सा कितना कूद रहा है, कैसे कूद रहा है, छलांग लगाते हैं ऐसे कूद में, ऐसे दिखाते हैं दोनों पैर से, यूं कूद रहा है, यूं कूद रहा है, बस इसका बड़ी वाले ही है।
बाकी इनको चारा परोसा जा रहा है दोस्तों, चारा परोसा जा रहा है, इसलिए ये काफ़ी पास तक आ चुके हैं। ये देखें यहाँ से बिल्कुल पास से एकदम व्यू देखें, इसमें काला हिरन और सफ़ेद हिरन जो कि मुख्य आकर्षण है इस बाड़े का। बाकी चलिए अगले बाड़े की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों एक बाड़ा ये है, इस बाड़े में हॉग डियर रखा गया है, ये आप देख सकते हैं इसमें हॉग डियर हैं। हॉग डियर छोटे साइज के होते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बकरी के साइज के, इन्हें हॉग डियर बोलते हैं। तो चलिए अब हम जो है अगले बाड़े की तरफ बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों आप इस गाड़ी का भी यूज कर सकते हैं घूमने के लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 70-75 एकड़ में ही फैला हुआ है। तो बाकी हम अगले बाड़े की तरफ आ चुके हैं, इस बाड़े में 12 सिंघा है, देखें ये एकदम बिल्कुल पास में एक 12 सिंघा खड़ा भी है। और बाकी इसमें 12 सिंघा और ये सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल एक ये बड़े साइज का 12 सिंघा है यहाँ पे, और एक यहाँ एकदम बिल्कुल पास में खड़ा है, ये देखें जी। तो बहुत ही प्यारा व्यू लखनऊ के चिड़ियाघर का दोस्तों। बाकी चलिए अभी आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको। एक बार यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ दोस्तों, इसमें देखिए आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए 12 सिंघा हिरन। तो चलिए अब अगले बाड़े की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बाड़ा ये भी है और इसमें रखा गया है शेर पूंछ बंदर, लायन टेल्ड मंकी। तो सामने एक बैठा भी आप देख सकते हैं, ये रहा जी। ये देखें जी इधर देख भी रहा है, और ये बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, और साथ ही साथ इसके चेहरे पर जो है जैसे शेर के बाल होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, वैसे इस पे इसके इसके पे भी बाल हैं, इसके चेहरे पर भी बड़े बड़े बाल हैं। एक यहाँ पर भी है और एक उधर बैठा है, शायद आपको दिख रहा होगा। तो बाकी चलिए अब हम जो है अगले बाड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले बाड़े की तरफ हम अग्रसर होते हैं। ये दोस्तों बार्किंग डियर का बाड़ा है, बार्किंग डियर हॉग डियर से भी छोटे होते हैं साइज में, ये बहुत ही छोटे होते हैं, मैं कह सकता हूँ हिरनों की यह सबसे साइज में छोटी प्रजाति होती है। ये बिल्कुल दूर हैं, यहाँ पास में नहीं कोई दिख रहा है। बाकी वहाँ एक बैठा हुआ भी आप सामने देख सकते हैं, ये बार्किंग डियर है, इसे बार्किंग डियर बोलते हैं, हिरन की अलग प्रजाति होती है दोस्तों। बाकी यह एक बाड़ा है, इसमें स्पॉटेड डियर रखे गए हैं। स्पॉटेड डियर में जो इनके शरीर पर वाइट कलर के स्पॉट होते हैं, इसीलिए इनको स्पॉटेड डियर बोलते हैं। बाकी आप सामने देख सकते हैं ढेर सारे स्पॉटेड डियर हैं, और उनको चारा भी परोसा जा रहा है, इसीलिए उनके अंदर उनमें भगदड़ मची हुई है। बाकी चलिए अगले बाड़े की तरफ हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बाड़े में ऑस्ट्रिच रखे गए हैं, दो बड़े साइज के ऑस्ट्रिच आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल पास आने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इस बाड़े में दोस्तों ऑस्ट्रिच हैं, इसे शुतुरमुर्ग हिंदी में कहते हैं। तो बाकी चलिए अभी हम चलते हैं अगले बाड़े की तरफ दोस्तों। बाकी दोस्तों इधर हम चलेंगे तो हमको भालू, बाघ, सांभर और हवासील मिलेंगे। बाकी ये भाप का इंजन आप देख सकते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं और आपको आगे पूरा दिखाते हैं। बाकी दोस्तों ये स्लॉथ बियर, इसे देसी भालू भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्लॉथ बियर जिसे देसी भालू भी कहते हैं। देखो भालू भाभी। बाकी चलिए अब हम चलते हैं अगले बाड़ी की तरफ। बाकी दोस्तों एक बाड़ा है और इसमें भी एक भालू रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेस्ट में है। बाकी एक वहाँ पर भी भालू है उस बाड़े में भी, जिसको मैं दिखा चुका हूँ। बाकी एक भालू ये है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से। तो बाकी चलिए अब हम अगले बाड़े की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों स्लॉथ बियर है और एक वहाँ पर भी, वो भी स्लॉथ बियर है और एक स्लॉथ बियर ये है, वो बाकी चलता फिरता हुआ आपको दिख जाएगा। और ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, जिसे देसी भालू भी कहते हैं। बाकी ये बाड़ा है दोस्तों, इसमें वाइट कलर का ऑस्ट्रिच है, वाइटिश कलर जिसे कह सकते हैं, लगभग सफ़ेद रंग का ऑस्ट्रिच है, ये आप देख सकते हैं। तो ये है जी वाइटिश, लगभग दुधिया रंग का, सफ़ेद रंग का ऑस्ट्रिच। चलिए अब अगले बाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। बाकी एक एक खूबसूरत सा सीन आप देखें। बाकी दोस्तों इस बाड़े में बोनट मंकी रखा गया है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल देसी मंकी की तरह से मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग बंदर है, ये आप देख सकते हैं, इसका ये अलग प्रजाति का है, इसका नाम है बोनट मंकी और इसे स्टम्प टेल्ड मंकी भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे बाड़े की तरफ चलते हैं। बाकी इसमें ये देख सकते हैं नीचे तीन गिद्ध बैठे हुए हैं, ये नीचे हैं, बिल्कुल बड़े आकार के होते हैं और ये गिद्धों का बाड़ा है जिसमें तीन गिद्ध हैं, आप देख सकते हैं नीचे बैठे हुए हैं। बाकी इसमें स्वान पक्षी है, आप देख सकते हैं दो हैं। और बाकी चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये गिद्ध हैं, देख सकते हैं आप, जिसे मैंने दिखा भी चुका है, बिल्कुल बैठे हुए आराम कर रहे हैं इस वक्त, तीन हैं टोटल इसमें, तीन और एक वहाँ ऊपर भी आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, यानी टोटल चार गिद्ध इसमें हैं। बाकी चलिए अब हम चलते हैं आगे और आगे भी आपको दिखाते हैं। ये स्पॉटेड डियर है जिसे मैंने ऑलरेडी दिखा चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल पास आ गए थे तो इसलिए मैंने सोचा एक बार और वीडियो क्लिप कैप्चर कर लेता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पास है, ये है स्पॉटेड डियर। क्यों स्पॉटेड डियर कहते हैं ये आप देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे नेक्स्ट बाड़े की तरफ चलते हैं। चलिए तो हम दोस्तों अगले बाड़े की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी ये सामने एक खूबसूरत सा व्यू लखनऊ के चिड़ियाघर का, ये आप देख सकते हैं, बीच बीच में दोस्तों एकदम पार्क भी बना हुआ है इस चिड़ियाघर में। और बाकी सामने फाउंटेन का सीन भी आप देख सकते हैं। बाकी ये एक छोटा सा रोज़ का लॉन है, गुलाब का लॉन जिसे कह सकते हैं। तो हम यहाँ आगे से ही सामने बढ़ेंगे और सामने ही हमें लॉयन और टाइगर का भी बाड़ा मिलेगा, तो चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये साइड में एक गार्डन भी है जिसे पार्क भी कह सकते हैं,
जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि ये पार्क, मतलब ये जो चिड़ियाघर है, कंप्लीट पैकेज है। ये देखें जी, यहाँ आकर के आप खेल कूद भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। एक खूबसूरत सा चिड़ियाघर के अंदर ये पार्क बना हुआ है और इसके जस्ट बगल में फाउंटेन का सीन मैंने दिखाया। एक पार्क है पूरा टोटल। बाकी दोस्तों इधर भी एक पार्क है, दोनों साइड है। यहाँ पर भी आकर के आप खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी एक पार्क है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड पार्क है। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी खासी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले बाड़े की तरफ। हमारा उद्देश्य है जानवरों को दिखाना इस चिड़ियाघर के अंदर। बाकी ये देखें जी, फाउंटेन का सीन यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। मतलब ये टोटल पार्क है इस चिड़ियाघर के अंदर, ये पार्क है बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ का सीन देख सकते हैं आप। एक फाउंटेन का सीन उधर है और एक फाउंटेन का सीन इधर भी है, और बाकी एक फाउंटेन का सीन इधर भी आप देख सकते हैं। बाकी एक पार्क का लॉन इधर है। मतलब ये जो आप ये वाइट कलर की देख रहे हैं, वाइट कलर की जो बना हुआ है बिल्डिंग, इसके चारों तरफ पार्किंग लॉन है। और इसमें चारों तरफ, मतलब चारों दिशाओं में चार फाउंटेन भी हैं। ये देखें, एक फाउंटेन का सीन इधर भी है। तो ये कम्प्लीटली एक पार्क की तरह से है। तो ये है जी लखनऊ के चिड़ियाघर के अंदर बना हुआ एक पार्क, जहाँ पर अगर आप चिड़ियाघर देखते देखते थक गए हैं तो आप आकर के इस पार्किंग लॉन में, मतलब पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी चलिए अब हम अगले बाड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला बाड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा सबसे जो मेन इंतज़ार है वह टाइगर, लायन और तेंदुआ, ये सब देखना है अभी, जो कि यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। चलिए चलते हैं। बाकी ये देखें जी, हम इधर से आ चुके हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, वीडियो में लास्ट तक। लखनऊ का चिड़ियाघर आपकी आंखों के सामने एक्सप्लोर हो रहा है। बाकी दोस्तों लखनऊ के चिड़ियाघर में जगह जगह पे इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल एक खूबसूरत सा जंगल टाइप व्यू देने की भी कोशिश की गई है। और इधर भी आप एक बार देख सकते हैं, ये बिल्कुल जंगल टाइप का व्यू दिया गया इसमें। और इसमें एक मोर भी है जो कि मैंने देखा है। और अभी हम शेर के बाड़े की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे बब्बर शेर है जिसकी दहाड़ हमें यहीं से सुनाई दे रही है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं, सब कुछ कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। और उम्मीद यही करेंगे कि वो जो मुख्य जानवर हैं, शेर, गैंडा, तेंदुआ, ये बाहर रहें अपने बाड़े से। अगर बाहर नहीं रहेंगे तो मैं शाम तक वेट करूंगा दोस्तों, और अगर वो चलते फिरते बाहर नज़र आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। बाकी एक बार ये खूबसूरत सा सीन देखें, बिल्कुल जंगल टाइप का सीन दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बाकी गाइस, ये है वाइट टाइगर, ये आप देख सकते हैं, सफ़ेद बाघ। टोटल तीन है, अभी मूवमेंट की कंडीशन में एक ही है जो कि चलता फिरता नज़र आ रहा, बाकी दो सो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये है वाइट टाइगर। अभी लायन की बाड़े की तरफ गए थे तो लायन जो है सो रहा था दोस्तों, तो वीडियो क्लिप अच्छी नहीं आती, तो उसको बाद में हम दिखाएंगे आपको। जब वो मूवमेंट की कंडीशन में होगा तब हम आप उसको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी एक बार वाइट टाइगर को आप देखें। बाकी ये दूसरे एंगल से वाइट टाइगर का व्यू आप देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, बिल्कुल पास से व्यू आ रहा है दोस्तों। इसमें टोटल तीन वाइट टाइगर हैं दोस्तों, जिसमें से एक आपको एकदम मूवमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये है, देख लीजिए बिल्कुल पास से, सफ़ेद बाघ। और अगर वो दोनों, उनका भी हम इंतज़ार करेंगे दोस्तों इस चिड़ियाघर में, हम शाम तक का वेट करेंगे
सारे जानवर जो भी हैं तीनों वाइट टाइगर मूवमेंट करते हुए नज़र आने चाहिए, तो सब कुछ वीडियो में मैं क्लिप में मतलब कैप्चर करूँगा, परेशान ना होए। जो जो जानवर अभी मूवमेंट में बस उन्हीं को मैं अभी कैप्चर कर पा रहा हूँ, बाकी जो भी सोए हैं या बाड़े के अंदर हैं उनको मैं इवनिंग तक ज़रूर कैप्चर कर लूँगा शाम तक। तो चलिए अभी आगे की बाड़े की तरफ चलते हैं, देखते हैं और कोई जानवर है जो कि मूवमेंट कर रहा है। बाकी दोस्तों ये एक बना हुआ बाड़ा, इसमें मगरमच्छ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक विशाल आकार का मगरमच्छ बिल्कुल सामने है। और बाकी एक ये है और एक मगरमच्छ यहाँ पर ही, आप देखें, ये मत समझिएगा कि ये निर्जीव हैं, ये बिल्कुल सजीव हैं, ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। यही इनकी खास बात होती है, यही इनकी शिकार करने की चालाकी भी होती है कि इनको देख के कोई कहेगा कि नहीं कि ये कोई सजीव प्राणी है। बाकी ढेर सारे हैं, ये लोग से काम मुख लो, बाकी उधर देख सकते हैं आप, वहाँ पे ढेर सारे बैठे हुए हैं पानी से बाहर निकल करके। तो चलिए अब हम अगले बाड़े की तरफ चलते हैं। तो ये था दोस्तों मगरमच्छ का बाड़ा। बाकी इस बाड़े में घड़ियाल हैं, ये आप देख सकते हैं, ये चार विशाल आकार के घड़ियाल बिल्कुल आराम कर रहे हैं। इतने पास से व्यू दोस्तों देखें जी, बिल्कुल पानी से बाहर निकल के बैठे हुए हैं। फिर एक बार कह रहा हूँ, गलती मत करिएगा कि ये कोई मूर्ति वगैरह बनाई गई है, निर्जीव प्राणी हैं, ऐसी गलती ना करिएगा, ये बिल्कुल सजीव हैं, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हैं। क्योंकि सांस लेते हैं पता नहीं चलता है ये सांस ले रहे हैं, क्योंकि इनकी शरीर पर वो सांस लेने वाली जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। तो ये हैं घड़ियाल। घड़ियालों की खास बात होती है कि इनका मुंह बिल्कुल पतला होता है, जो आप देख सकते हैं। तो इसमें ढेर सारे घड़ियाल हैं जो पानी से बाहर निकल के बैठे हुए हैं दोस्तों, और ये है इनका एक नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है। तो चलिए बाकी हम अगले बाड़े की तरफ चलते हैं दोस्तों। बाकी एक बार आप पूरा ये सीन देखें, लखनऊ के चिड़ियाघर का बिल्कुल एक जंगल टाइप का फीलिंग आ रहा है अंदर चलने पे दोस्तों। और इस चीज़ की कमी हम लोग देखे थे गोरखपुर के चिड़ियाघर में, जहाँ पे ग्रीनरी का बिल्कुल अभाव था, बिल्कुल कमी थी, वहाँ पे इस तरह का जंगल नहीं था। लेकिन अभी वो नया नया बना है, तो धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, अभी वो मेंटेनेंस उसमें चल रहा है सब कुछ, अभी उसमें और सारे जानवर लाने बाकी हैं, अभी उसमें बहुत कम जानवर रखे गए हैं। बाकी एक बार ये पूरा सीन देखें, खूबसूरत सा लखनऊ का चिड़ियाघर का कैंपस ये देखें जी। बीच बीच में मैं इस सीन को भी दिखाता चल रहा हूँ, बाड़े में जो जानवर उनको तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में ये सीन भी दिखा रहा हूँ। बाकी चलिए अगले बाड़े की तरफ हम चलते हैं। बाकी ये चिड़ियाघर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है प्लेइंग एरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ खेलने कूदने के पूरा अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया है दोस्तों। तो चिड़ियाघर के अंदर आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, जानवर देखते देखते थक गए हैं तो आप आकर के पार्क वगैरह, इस बीच में पार्क भी बना हुआ है जगह जगह पे, बच्चों के खेलने कूदने का भी अच्छा खासा प्रबंध है, तो आप यहाँ पे भी आकर के एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो लखनऊ का चिड़ियाघर की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं इसे पूरे के पूरे अंक दूँगा। बस थोड़ी सी एक शिकायत है कि यहाँ पर एक क्रम में नहीं जानवर रखे गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैं बार बार भूल भुलैया का शिकार हो जा रहा हूँ इस पार्क मतलब इस चिड़ियाघर में। बाकी ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत सा बच्चों के खेलने कूदने का प्लेइंग एरिया बना हुआ है। तो अभी हम जानवरों की ही तलाश में घूम रहे हैं कि कोई ऐसा जानवर ख़ास तौर से टाइगर, लायन और तेंदुआ जो कि बिल्कुल मूवमेंट करता हुआ नज़र आ जाए और हम उसे उस क्लिप को कैप्चर कर लें। तो चलिए इंतज़ार करते हैं उस चीज़ का। बाकी ये घड़ियाल हैं, इनको तो मैं दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन इधर ही से गुजर रहा था मैं। लेकिन दोस्तों ये एक नहीं, बहुत सारे घड़ियाल इसमें हैं, उस छोर से दूसरे छोर से मैं दिखाया था, इधर भी देखा तो इधर भी ढेर सारे घड़ियाल इसमें पड़े हुए हैं। ये
ये घड़ियाल है दोस्तों, और बिल्कुल पास से इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 5 विशाल आकार के घड़ियाल बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी ये दूसरा वाइट टाइगर है, एक वाइट टाइगर को मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये देखें जी बिल्कुल मूवमेंट। तो एक वाइट टाइगर ये है और दूसरा उस पिंजरे में है, वो सामने आप देख सकते हैं। तो चलिए ये वाला भी टाइगर मूवमेंट कर दिया, जिसे मैंने कैमरे में कैद कर लिया दोस्तों, और वो वहाँ जा कर के अब बैठ चुका है। बाकी दोस्तों दो वाइट टाइगर यहाँ से आपको दिख ही रहेंगे, एक इधर वाला है जो मूवमेंट अभी तक नहीं किया है, लेकिन उधर वाला जो बैठा है वो वहाँ से मूवमेंट करके इधर आया, जिसको मैंने अभी अभी दिखाया। बाकी एक इधर है और एक उधर था वाइट टाइगर तीसरा वाला, जिसको मैं दिखा चुका हूँ। तो टोटल 3 अभी तक इसमें वाइट टाइगर मुझे दिखे हैं। बाकी ये बब्बर शेर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसके भी मूवमेंट का हम वेट करेंगे कि जब ये उठेगा चलेगा, तो हम उस वीडियो क्लिप को कैप्चर करेंगे। ये लखनऊ के चिड़ियाघर का बब्बर शेर, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें शेरनी भी है दोस्तों, शेर भी है और शेरनी भी है। फ़िलहाल तो अभी बब्बर शेर ही दिख रहा है, तो इंतज़ार करते हैं हम। और ये है उसका एक नेचुरल हैबिटाट, गुफा टाइप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइम बहुत कम ही चांस होता है कि मूवमेंट करें, दोपहर का टाइम होता है। अगर आप चाहते हैं कि मूवमेंट के साथ हम इनको देखें, तो आप इवनिंग टाइम में आएँ, शाम को 3 से 4 बजे के लगभग, 4 बजे आएँ, तो फिर आपको सारे एनिमल बाघ शेर सब मूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे। अनु दिखाओ बेबी को, उठा कर अनु उठाना, मैं नहीं उठा पाऊंगी। बॉटल पकड़ दो, मैं दिखाऊंगी छोटी भी। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट यहाँ पर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और बाकी ये सामने वाला बाड़ा बब्बर शेर का है, और इसमें शेरनी भी है, शेर बैठा हुआ है, जिसे मैं दिखा चुका हूँ। अगर वो मूवमेंट करेगा तो भी मैं उसकी वीडियो को क्लिप को कैप्चर करूँगा। फ़िलहाल हम इंतज़ार करते हैं। बाकी ये है टाइगर, इस बाड़े में टोटल 4 टाइगर हैं दोस्तों, फ़िलहाल 2 ही दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये देखिए बिल्कुल मूवमेंट। और ये है बाघ का बाड़ा, पैंथर टिग्रिस, ये सामने आप देख सकते हैं, 2 टाइगर मूवमेंट करते हुए। हाँ कल हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, वो तो 12 बजे शेड्यूल आता है, कल कन्फर्म। तो अभी दोनों टाइगर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बार आप इस एंगल से देखें, और दोनों टाइगर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्लभ और ख़ूबसूरत नज़ारा होता है जब एक साथ दो दो टाइगर वो भी मूवमेंट करते हुए दिखें। मारेंगे तो वहीं गिरेंगे जाके।
बाकी इसमें टोटल गाइस 4 टाइगर हैं, 2 अंदर बैठे हुए हैं और 2 आपको यहाँ पे मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी पल का हमें इंतज़ार होता है और यही सब जो सीन होता है पैसा वसूल होता है दोस्तों, कि टाइगर मूवमेंट करते हुए नज़र आए, लायन मूवमेंट करता हुआ नज़र आए। लेकिन मैंने लायन को देखा है, बैठा है, और उसको मैं कई बार जा कर के देखा तो वो बैठा ही नज़र आया दोस्तों। तो उसके मूवमेंट का हमें इंतज़ार है। और 3 वाइट टाइगर थे जिनमें से 2 वाइट टाइगर को मैंने मूवमेंट करते हुए कैप्चर कर लिया है, और एक और है वाइट टाइगर, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मूवमेंट करे और उसको भी वीडियो में मैं कैप्चर करूँ। फ़िलहाल आपके सामने एक दुर्लभ दृश्य और खूबसूरत सा दृश्य आपके सामने है दोस्तों। 2 वाइट टाइगर खेल रहे हैं और बाकी 2 अंदर हैं। अगर वो चारों एक साथ निकल के बाहर आएंगे तो मैं उस वीडियो क्लिप को भी कैप्चर करूँगा आपके लिए दोस्तों। बाकी ये दोनों खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेरी बेटी देखो क्या बनाया। बाकी ये व्हाइट टाइगर जिसको मैंने पहले भी दिखा चुका है आपको, तो इसको मैंने ऑलरेडी दिखा चुका है इस व्हाइट टाइगर को, लेकिन अभी इसको बिल्कुल पास से दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैंने काफ़ी जानवरों को दिखाया आपको, मूवमेंट करते हुए दिखाया, लेकिन अभी जिनका मूवमेंट नहीं हुआ है उनको अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे 3 टाइगर 3 अलग अलग बाड़े में रखे गए हैं, उनका मूवमेंट अभी नहीं हुआ है, तो अभी उनको मूवमेंट के वक्त कैप्चर करूंगा। और फ़िलहाल तो अभी हम चल रहे हैं आगे। आगे सुनने में आया है कि टाइगर और लोमड़ी का बाड़ा है फिलहाल, तो इस टाइम बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों कि वो मूवमेंट करते नज़र आएँ। अगर आप चिड़ियाघर में आते हैं तो मैं आपको एक बिल्कुल सीक्रेट बात बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा। अगर आप बिल्कुल मूवमेंट करते हुए देखना चाहते हैं तो आप 4 बजे के लगभग आइए चिड़ियाघर में, चाहे कोई भी चिड़ियाघर हो, चाहे कि कहीं का भी चिड़ियाघर हो, उस वक्त सारे। बाकी इधर से मैं आ चुका हूँ, अभी मैं इसमें से अंदर से प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखे जी, बिल्कुल खूबसूरत सा व्यू मेरे चारों तरफ, और बिल्कुल एक जंगल नुमा आकार देने का प्रयास किया गया, एक जंगल टाइप बनाने का प्रयास किया गया लखनऊ के चिड़ियाघर को। और वन्य जीवों को जंगल ये तो पसंद है। खैर चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कोई जानवर हमें मिलता है। ये गिद्ध जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो उस वक्त ये दोनों ये सोए हुए थे, अभी आप ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है। और एक गिद्ध यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जैसे वल्चर अंग्रेजी में और हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, और एक यहाँ पर है, एक ये रहा जी, और एक वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ये है जी, ये आप देख सकते हैं। तो इस एंगल से बिल्कुल क्लियर व्यू आ रहा है वल्चर का, गिद्ध का। ये देखें जी गिद्ध, गिद्ध बहुत ही दुर्लभ प्राणी होता है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि नॉर्मली हमें नहीं दिखता है ऐसे आम डेली लाइफ में, इसलिए चिड़ियाघर में आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके आँखों के सामने। अभी जो पहले स्टार्टिंग में आया था चिड़ियाघर में तो ये सोए हुए थे चारों के चारों, फ़िलहाल चारों मूवमेंट कर रहे हैं और इसी पल का मुझे इंतज़ार था। पत्थर लेके बैठा मार रहे, जाओ वहाँ बता रहे में बैठा है। आओ 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 कुछ और देख के। बाकी एक टाइगर ये है, उसके भी मूवमेंट का इंतजार था और ये भी मूवमेंट किया और आप देखिए बिल्कुल पास में आ चुका है। लगभग 2
इस टाइगर का भी मूवमेंट मैंने कैप्चर कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाकी ये इसका एक गुफा टाइप बाड़ा बना हुआ है ये सामने, ये आप देख सकते हैं। बाकी दो टाइगर हैं, एक उधर भी है और एक इधर, जो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो बिल्कुल आपको एकदम जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए जी। देखें जी इस दुर्लभ नज़ारे को, ऐसा बहुत कम होता है कि टाइगर आपको मूवमेंट करता हुआ दिख जाए चिड़ियाघर के अंदर, बाड़े से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं ये। और फिलहाल दो टाइगर हैं, एक उस बाड़े में बगल वाले में और एक इधर वाले में, तो इधर वाले को मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको। देखें जी खूबसूरत सा व्यू आपके सामने। तो इस पल का मुझे इंतज़ार था कि ये मूवमेंट करे और इस वीडियो को मैं कैप्चर करूं, फ़िलहाल ये बैठ चुके हैं। दिख रहा, अरे 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 और अभी ये मूवमेंट कर रहा है और इसके मूवमेंट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं हिमालयन काला भालू दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो ये जी हिमालयन काला भालू दोस्तों, और टोटल दो बाड़ा बना हुआ है हिमालयन काला भालू का, जिसमें से एक ही है और एक बगल वाले बाड़े में है जिसको मैं दिखाऊँगा, ऊपर बैठा हुआ है वो। बाकी दोस्तों एक हिमालयन काला भालू ये है, ये दूसरा बाड़ा है जस्ट उसी के बगल में है। तो ये दूसरा हिमालयन काला भालू जो कि लखनऊ के चिड़ियाघर में रखा गया है, और ये बिल्कुल ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कोई और भी जानवर मूवमेंट कर रहा है क्या, अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसे कैप्चर कर लेंगे। बाकी ये भी मूवमेंट कर गया दोस्तों, जो इस साइड वाला टाइगर था ये बिल्कुल पास आ चुका है, और पास से आप देखें जी ये है जी बिल्कुल खूबसूरत सा। बैठ गया, ले बैठ गया वो, और ले बैठ के खेल रहा है। वो कोशिश करते हैं थोड़ा और पास से इसको दिखाने की, और देख लो छोटी। तो वो जो खड़ा है उसको मैं दिखा चुका हूँ उसका मूवमेंट, बस ये जो इस साइड लेटा हुआ है इसी का मूवमेंट मैं कैप्चर कर रहा हूँ दोस्तों। वो टाइगर नीचे जल्दी आओ, नीचे जल्दी आओ, टाइगर आ रहा है। इधर वाला टाइगर मूवमेंट तो कर रहा है, इधर वाला टाइगर मूवमेंट नहीं कर रहा है। आइए तो इंतज़ार कर रहे हैं ये भी मूवमेंट करे और इसे भी कैप्चर करें हम। इधर देखिए पीछे ही देखिए, अरे नहीं वो तो टाइगर है, टाइगर हमको लायन को ढूंढना है। अच्छा लायन भी ढूंढते हैं बेटा, पहले टाइगर तो देख लो, पहले फोटो खींचेगा रे उसको। चलो देखिए, तो इसको इस एंगल से भी दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए। ये बिल्कुल पास से भी टाइगर का, तो ये है लखनऊ के चिड़ियाघर का दूसरा टाइगर, पहला उसमें था, दूसरा ये है, और एक उस बाड़े में भी है।
बाकी ये तीसरा वाला टाइगर जो कि अभी सो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके भी मूवमेंट का हम इंतजार करेंगे, जैसे ही मूवमेंट करेगा इसकी भी वीडियो क्लिप को हम कैप्चर करेंगे। बाकी ये स्लाथ बियर मैंने दिखा दिया जो कि ऊपर बैठा हुआ था। एक बार इसको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है स्लॉथ बियर। सॉरी दोस्तों, ये स्लॉथ बियर नहीं है, ये हिमालयन काला भालू है, हिमालयन ब्लैक बियर। सॉरी दोस्तों, ये हिमालयन ब्लैक बियर। स्लॉथ बियर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बाकी ये हवासील पक्षी आप सामने देख सकते हैं, लिखा भी है और वो सामने बैठे भी हैं, हवासील। हिंदी में इसे रोजी पेलिकन बोलते हैं और हिंदी में इसे हवासील बोलते हैं। तो हवासील को मैं दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं हवासील पक्षी। बाकी इसमें कछुआ है, आप देख सकते हैं ढेर सारे बैठे हुए, लगभग 7-8 कछुए इसमें बैठे हुए हैं। बाकी ये है उनका पूरा एक नेचुरल हैबिटेट, और ये 7 से 8 के लगभग कछुए बाहर निकल के बैठे हुए हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। बाकी इस बाड़े में सारस हैं, ये आप देख सकते हैं, एक सारस वहाँ पर है और एक बिल्कुल हमारे पास में है, ये आप देख लीजिए। इसमें टोटल 3 रखे गए हैं अभी तक, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 3 हैं इसमें। और ये सारस पक्षी है और एक वहाँ पर है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। बाकी इस बाड़े में जिराफ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। तो ये है जिराफ, लखनऊ के चिड़ियाघर का, जो कि मूवमेंट करता हुआ आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य दोस्तों, लखनऊ के चिड़ियाघर का जिराफ जो कि मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो दुर्लभ इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि चिड़ियाघर में अक्सर मायूसी हाथ इसलिए लगती, क्योंकि या तो जानवर बाड़े के अंदर होते हैं या तो बाड़े में सोए होते हैं, मूवमेंट नहीं करते होते। बट सौभाग्य से जिराफ के बाड़े में जैसे ही आया वैसे इसने मूवमेंट करके अपने वीडियो को कैप्चर करवाया। तो चलिए दोस्तों, और अब हम जो है आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कोई जानवर यदि छूट गया होगा तो उसे भी कैप्चर करेंगे। इस बाड़े में ईमू रखा गया है, इसका नाम ईमू पक्षी है, और दो आप देख पा रहे होंगे। तो ऑस्ट्रिच और ईमू में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं कंफ्यूज हो जाता था। ऑस्ट्रिच बहुत ही ऊंचा होता है, उसके पैर लंबे होते हैं और बहुत ही भारी होता है, और बहुत ऊंचा होता है, एक इंसान की ऊंचाई के लगभग बराबर होता है। और ये ईमू पक्षी आप देख सकते हैं। तो बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे के बाड़े में भी दिखाते हैं कोई पशु पक्षी छूट तो नहीं गया। चले जी आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर चलते हैं आगे। बाकी दोस्तों इसमें एक खूबसूरत सा पक्षी है जो कि रेड और रेड नहीं दोस्तों, गुलाबी और सफ़ेद रंग में है, जिसको हम पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा एक जालीदार टाइप बाड़ा बना हुआ है जिसमें पानी भी है और उसमें ये पक्षी रखे गए हैं, और इसको हम पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी एक बार पूरा दूर से देखेंगे इसका सीन। बाकी संडे की वजह से दोस्तों आज क्राउड बहुत ज़्यादा है, ये देखें। और इसमें ये सामने ये जो है ये ब्लैक वाइट कलर का है, और बाकी जितने हैं वह गुलाबी और सफ़ेद रंग के हैं, ये देखें। बाकी एकदम सामने दूर दूर वाले बिल्कुल वाइट कलर के हैं। तो टोटल 3 प्रकार के पक्षी हैं इसमें। अब इसका नाम क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ।
तो अभी थोड़ा सा और दूसरे एंगल से इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ से एक बार देखें जी, इस एंगल से थोड़ा सांप आ रहा है, आप देख सकते हैं। जब इस मुंह पे आई ना, चलो इनके फोटो अच्छा ना हमारे पास फोटो करा पा रहे। उनके तुमने पैसे दे रहे ना, अंदर बुक में है ना, इसलिए तो बुक में इसलिए आ रहा। तुम्हारे कैसे हैं तुम? सेल्फी लो, सेल्फी अच्छी है, देख सेल्फी ले आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं आगे का क्या सीन है। बाकी एक बार आप खूबसूरत सा ग्रीनरी देखें, खूबसूरत ग्रीनरी देखें लखनऊ के चिड़ियाघर का, बहुत ही ज़्यादा डेंस है ये देखें। बाकी इसको मैं दिखा चुका हूँ दोस्तों, और खूबसूरत सी ग्रीनरी देखें, और इस ग्रीनरी के उस पार पार्क है, और आपको इस पार इधर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है लखनऊ के चिड़ियाघर की, बहुत ही ज़्यादा डेंस है दोस्तों। बाकी ये बीच से रास्ता है, तो ऐसे रास्तों पे चलना बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू आता है ये देखें जी। तो बीच बीच में मैं इसको भी दिखाता चल रहा हूँ, ये देखें जी, ये देखें बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं दोस्तों, बिल्कुल जंगल टाइप का एक व्यू दिया गया है, ताकि यहाँ पे जो भी जीव जंतु रखे गए हैं उनको यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई वो जंगल का अभाव ना लगे, उनको ऐसा ना लगे कि हम किसी बिल्कुल बनावटी जगह पे रखे गए हैं, उनको बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग आए कि नहीं हमारा जो हैबिटेट है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, न कि मानव निर्मित है, बट पूरी तरह से खूबसूरत है लखनऊ का चिड़ियाघर, ये आप देख सकते हैं। तो अभी भी ये टाइगर बैठा है ये दोस्तों, इसका मूवमेंट अभी भी कैप्चर नहीं हो पाया है, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। ये बिल्कुल पास से ही कैप्चर हुआ जी टाइगर का, आप देख सकते हैं। तो इसके बगल में भी एक टाइगर है, उसको भी हम दिखाते हैं। चलिए देखो मम्मी, तो ये पास आ रहा है, आप देख सकते हैं। जाओ टाइगर, फिर से वापस जा रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये देखा, दिखाओ गुल्लू को, दिखाओ देखो टाइगर आ रहा है। बाकी गाइज आपको चिड़ियाघर में बीच बीच से बीच बीच में इस तरह से आपको स्टॉल भी मिलेगा, जहाँ पर आप खाने पीने की वस्तुएं लेकर के खा पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी चलिए अंदर चलते हैं एक बार बब्बर शेर के बाड़े के पास, देखते हैं अगर वो मूवमेंट में होगा तो उसकी क्लिप को कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये तीसरा वाला वाइट टाइगर है जो कि अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसी के मूवमेंट का हम वेट कर रहे हैं फिलहाल। तो ये अभी बैठा हुआ आप देख सकते हैं, टोटल तीन वाइट टाइगर हैं इस बाड़े में, जिसमें से एक तो हमेशा मूवमेंट कर रहा है, जिसको मैं बार बार दिखा चुका हूँ,
बाकी दूसरा वाला भी मूवमेंट करके अंदर गया था जो मैं दिखाया था, और एक जो परमानेंट मूवमेंट कर रहा है वो देख सकते हैं, वो उधर उस बाड़े में है। बाकी इसके मूवमेंट का हमें इंतज़ार है दोस्तों। तो इसका मूवमेंट भी कैप्चर हो चुका है जी, आप देख सकते हैं। बाकी ये तीन तीन टाइगर के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं एक साथ तीन तीन टाइगर के बच्चे हैं अभी। और ये देख सकते हैं आप तीनों मूवमेंट कर रहे हैं एक साथ। तो इस बाड़े को मैं एक बार और दिखा चुका हूँ जिसमें दो ही टाइगर मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन इस बार तीन टाइगर मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें टोटल चार टाइगर हैं, इसमें से एक अभी अंदर सोया हुआ है। तो इसको दूसरे एंगल से भी दिखाते हैं, दो नीचे से लगे हैं। तो इस बाड़े में टोटल तीन टाइगर हैं, आप देख सकते हैं एक यहाँ पर है और एक वहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी एक चलता फिरता नज़र आ रहा है आपको। लखनऊ के चिड़ियाघर का खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू आपकी आंखों के सामने लखनऊ के चिड़ियाघर का। और इस बाड़े में एक साथ तीन टाइगर, तीन नहीं गाइस, चार हैं। ये देखें जी, चार टाइगर हैं टोटल इस बाड़े में। ये देखें जी, चार टाइगर हैं टोटल। बहुत ही दुर्लभ नज़ारा दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि चिड़ियाघर में एक साथ चार चार टाइगर चलते फिरते नज़र आए। एक बार आप इस एंगल से देखें जी, इसमें टोटल चार टाइगर हैं और ये आप देख सकते हैं एंजॉय करते हुए चारों टाइगर। अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, इसमें 5 बज रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखें जी बिल्कुल पास से व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ व्यू है दोस्तों, एक साथ चार चार टाइगर आपको एक ही बाड़े में वो भी चलते फिरते नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा लखनऊ के चिड़ियाघर का दोस्तों। ये देखें, दो यहाँ पर हैं और आई होप ये दो, इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है, और बाकी दो यहाँ पर भी हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अभी शाम का टाइम है, तो शायद मैं कल फिर से हूँ एक बार अच्छे से यहाँ का वीडियो शूट करूँ लखनऊ के चिड़ियाघर का। लेकिन अभी जिन जानवर जो भी बाड़े से बाहर निकल कर के घूम टहल रहे हैं उनका अभी मैं वीडियो क्लिप कैप्चर कर ले रहा हूँ। ये है जी टाइगर जो कि लखनऊ के चिड़ियाघर में कैद हैं, आप देख सकते हैं। बाकी दो इधर हैं और दो वहाँ पर हैं। तो इस एंगल से देखें जी, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है इस एंगल से। बाकी ये बार बार नीचे ही जा रहा है वाला टाइगर, बाकी एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी एक टाइगर अंदर है। ये चारों बच्चे हैं तो इसीलिए इनको एक बाड़े में रखा गया है।
जिस दिन ये बड़े हो जाएंगे इनको अलग अलग चार बाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ दृश्य है। तीनों टाइगर एक साथ मूवमेंट करते हुए, एक वहाँ पे जा करके रेस्ट कर रहा है अभी। तो चलिए दोस्तों, अभी अब मैं इस बाड़े को दोबारा इस नहीं दिखाऊंगा, इनके मूवमेंट को कैप्चर करना था सो कर लिया। और लॉयन का भी 10 से 12 सेकंड का मूवमेंट वाला कैप्चर हुआ है। तो बाकी देख सकते हैं आप। बाकी ये है तेंदुआ, तो ये है तेंदुए का बाड़ा दोस्तों। इसका भी मूवमेंट का इंतज़ार था और इसमें एक ही तेंदुआ दिख रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। बाकी गाइस इसमें दो तेंदुए मेरे को दिख गए, एक बिल्कुल वहाँ आपको दूर सोया हुआ शायद नज़र आ रहा होगा, बाकी ये सामने ये आप देख सकते हैं। हाँ मिल गया, मुझे भी मिल गया। तो बिल्कुल मूवमेंट आप देख सकते हैं तेंदुए का। चलिए दोस्तों, ये था तेंदुआ और अब हम आगे चलेंगे और आपको अगला कोई जानवर अगर मूवमेंट करता नजर आएगा तो उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें तीन वाइट टाइगर हैं दोस्तों, ये कि आप मूवमेंट करता हुआ देख सकते हैं। ये अभी सोया हुआ था, अभी जस्ट जैसे आया तैसे उठ करके मूवमेंट करने लगा, वो आप देख सकते हैं बांस के बिल्कुल नीचे है। थोड़ा सा अंधेरा वहाँ पे है इसलिए उसका क्लिप ठीक से नहीं आ पा रहा है। बाकी एक यहाँ पर लेटा हुआ है, तो ये फिर से अंदर जाग रहा है अपने गुफा में दोस्तों, अपने अंदर घर में चला गया। बाकी एक यहाँ बैठा हुआ है, इसके भी मूवमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो गाइस ये वाला वाइट टाइगर बाहर निकल गया अपने घर से, बिल्कुल सामने आपके नीट एंड क्लीन व्यू आपके आंखों के सामने दोस्तों। इससे खूबसूरत और दुर्लभ नज़ारा आपको और कहीं नहीं मिल सकता। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू दोस्तों, ये देखिए। और एक उस पिंजरे में मूवमेंट कर रहा है, ये देखें जी। वो बाकी ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है। ये देखें जी, दोनों व्हाइट टाइगर बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, ये देखें। कौन जी? और उधर वाला बैठ गया, ये हम पेपर पूछा था। वो वाला भी टाइगर मूवमेंट करने लगा है, आप देख सकते हैं उधर जो सोया हुआ था और ये वाला मूवमेंट कर ही रहा है, और उसका भी व्यू आप एक बार देखें। तो एक साथ तीन तीन टाइगर, वाइट टाइगर आपको मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे, ये देखें जी। बिल्कुल दुर्लभ व्यू, खूबसूरत व्यू दोस्तों। उधर वाले टाइगर का मैं वेट कर रहा था, जो एकदम उधर वाले किनारे वाले बाड़े में था, कि वो भी मूवमेंट करे, तो वो भी मूवमेंट किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उधर था नहीं कि उस क्लिप को मैं कैप्चर कर सकूं दोस्तों। तो एवनिंग टाइम में आप जब भी आएंगे शाम को 3-4 बजे के लगभग, तो आपके पैसे बिल्कुल बेकार नहीं जाएँगे। सारे टाइगर, सारे लॉयन, मतलब जो भी हैं यहाँ पर जिनको आप देखने के लिए स्पेशली आते हैं, टाइगर लॉयन तेंदुआ, वो सब आपको बाहर मूवमेंट करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल एकदम जैसा लगेगा कि बिल्कुल आपके करीब आने वाले हैं, ऐसा लगेगा। तो ये देखें जी, अब तीनों मूवमेंट करने लगे, ये देखें। ये पहला वाला है जो हमेशा मूवमेंट कर रहा है, बाकी ये दूसरा वाला है जो मूवमेंट कर रहा है, और फिर इसके बाद एक और है जो तीसरा वाला है,
दोस्तों, तो ये तो दूसरा वाला ही है। तो चलिए हम उधर वाले बाड़े में चलते हैं, उधर वाले को भी मूवमेंट कैप्चर करते हैं। तो उधर वाला वो है देखिए, और इधर वाला ये है, मतलब तीन वाइट टाइगर हैं टोटल। दो ये आप देख सकते हैं और तीसरा ये है, ये देखिए टोटल तीन है। तो तीनों का मूवमेंट कैप्चर हो चुका है कैमरे में दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इस मेहनत के लिए मेरे, कि मैंने इंतज़ार किया इनके मूवमेंट का और आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई और ये तीनों एक साथ मूवमेंट करते हुए। तो इसको मैं कई बार दिखा चुका हूँ, तो इसको ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊँगा। और अभी आगे चलते हैं, अब धीरे धीरे वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। पता चला कि जो है देखे ये वाला जो सो रहा था ये भी मूवमेंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी एक उधर है, तो दोनों टाइगर मूवमेंट करने लगे हैं जो दोनों रेस्ट पोजीशन में थे। तो ये बहुत ही खूबसूरत और दुर्लभ व्यू आपके सामने। तो दोस्तों ये वाला भी टाइगर मूवमेंट करता हुआ आ चुका है, जो कि इसमें कभी बैठा हुआ करता था, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पास में आ चुका है दोस्तों। तो अभी हम आपको एकदम करीब से दिखाएंगे इसको, ये देखें जी, ये देखें, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ नज़ारा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ। इसका भी मूवमेंट कैप्चर हुआ जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था दोस्तों, अब ये बैठ जाए चाहे कुछ हो। बाकी ये देखें जी, इस पेड़ की परिक्रमा कर रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, ये देखें जी, बहुत ही विशाल आकार का है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत, ये देखें जी दोस्तों दुर्लभ व्यू, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ व्यू, ये देखें। इसी का मैं वेट था दोस्तों कि ये खड़ा हो और इसका हम वीडियो क्लिप कैप्चर करें। सो आपके सामने कैप्चर हो रहा है इसका भी वीडियो क्लिप दोस्तों, ये देखें जी, ये देखें। बाकी एक इधर भी है, ये साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो इसका मूवमेंट तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, और एक उधर है वो सामने दिख रहा होगा, उसका भी मूवमेंट मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन इसका मूवमेंट बाकी था। तो ये भी खूब ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है दोस्तों, ये देखें जी। तो अभी ये उधर जा रहा है दोस्तों, ये देखें। बाकी एक यहाँ पर भी है साइड में भी, इसमें टोटल तीन है और तीनों के लिए अलग अलग बाड़ा बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सब लगभग मैंने सारे जानवरों का, लायन, तेंदुआ और टाइगर सबका, और वाइट टाइगर सबका मूवमेंट दिखा दिया मैंने। तो चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले वहाँ एग्जिट पॉइंट पे चलते हैं, वहीं पे वीडियो को करेंगे समाप्त। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं इस पार्क में थोड़ा आराम करूँगा। मैंने आपको पूरा पार्क, पूरा चिड़ियाघर एक्सप्लोर किया, जिसमें से मैं चिंपांजी, बंदर नहीं दिखा पाया क्योंकि वो बाड़े से बाहर निकला ही नहीं था दोस्तों। और स्नेक घर भी नहीं दिखाया क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्नेक जो भी थे सिर्फ अजगर एक दो बाहर थे, बाकी सब जो है अपने बिल में थे, मतलब जो भी उनको बनाया गया था, तो उसमें दिखाने लायक कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो चलिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत किया है इस लखनऊ के चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करने में, जिसका नाम वाजिद, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।